हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के आज के वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कुछ बड़े इन्वेस्टर के बड़े पोर्टफोलियो के बारे में। जैसा कि आज आप इमेज में देख सकते हैं, हम आज एनालिसिस करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें कि वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राधा किशन दमानी जो भारत के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है, और विजय केडिया के पोर्टफोलियो के बारे में, जिनका अभी जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या उन्होंने शेयर खरीदे हैं, क्या क्या इन्होंने बेचा है, उनकी किस कंपनी में कितनी होल्डिंग है, उनकी क्वार्टर में उन्होंने किस स्टॉक में ज्यादा पैसा लगाया है, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें बेचना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, राकेश झुनझुनवाला से। तो अगर हम, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उनके नेटवर्थ की हिस्ट्री के बारे में, कि उनके मार्च 2020 में -28% रिटर्न के साथ उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी 9,168 करोड़। जून 20 में वो 12% से बढ़कर 10,292 करोड़ हो गई है, और जुलाई में अभी 11% से फिर बढ़कर 11,446 करोड़। अगर शेयर बाइंग की अगर हम इंक्रीजिंग इन होल्डिंग देखें, तो ऑटोलाइन इंडस्ट्री में 6.48% उन्होंने अभी खरीदा है जून क्वार्टर में। डिशमैन कार्बोजेन एमकीज लिमिटेड में 3.18% खरीदा है। एनसीसी लिमिटेड में 1.23%, इंडियन होटल्स में 1.05%, सोर्स सॉल्यूशन में 0.82% और जुबिलेंट लाइफ साइंस में 0.7% की होल्डिंग उन्होंने खरीदी है। वहीं एग्रोटेक फूड में उन्होंने 0.61% का बेचा है शेयर होल्डिंग, और लुपिन में 0.04%। अब हम वन बाई वन हर स्टॉक का उनके पोर्टफोलियो में कितना इंपैक्ट है और उनका क्या पैटर्न है उसे एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द मेजर होल्डिंग, जो कि 24% के साथ एपटेक की है। अब जानते हैं कि एपटेक लिमिटेड रिलेटेड काम करती है। तो एपटेक लिमिटेड की बात करें तो ग्लोबली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने का काम करती है, और अभी इनका शेयर प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है उसकी 107.8, और इन्होंने 96,68,840 शेयर खरीदे हुए हैं, जो कि 24% शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज की अगर हम वैल्यू देखें तो 104.2 करोड़ रुपए इसकी करंट वैल्यू है। सेकेंड नंबर पे 12.74% होल्डिंग के साथ मंदाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, जो कि एक रिटेल कंपनी है जो बीइंग ह्यूमन के नाम से अपना ब्रांड शोरूम चलाती है और मेन वुमेन के क्लोथिंग डिजाइन करती है। और अभी अगर इसका करंट मार्केट प्राइस 9.8 चल रहा है, और 28,13,000 शेयर हमारे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने इसमें खरीदे हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 2.8 करोड़ रुपए होती है। एनसीसी लिमिटेड इंडिया की टॉप 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है, और यहाँ पर भी 11.45% का स्टेक है और 29 रुपए का लगभग भाव चल रहा है। और यहाँ पर हम अगर हम देखें तो करीबन 6,98,00,000 शेयर की यहाँ पे बाइंग की है, और 1.23% स्टेक इस क्वार्टर में खरीदा है जून क्वार्टर में, और 207.4 करोड़ रुपए की यहाँ पर शेयर होल्डिंग बनती है। रैलीज इंडिया की बात करें तो एक टाटा की कंपनी है जो किसानों के लिए फसल की देखरेख के लिए केमिकल बनाती है, और इसमें भी 10.31% का काफी बड़ा स्टेक आगे जुने वाला का है, और 2 करोड़ के लमसम इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। 0.38% इसमें भी बढ़ोतरी इस क्वार्टर में की गई है, जो 623.7 करोड़ की होल्डिंग को बनाती है, और वो सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट इनके पोर्टफोलियो का कवर करती है। बिलकेयर लिमिटेड की बात करें तो ग्लोबल रिसर्च कंपनी है जो फार्मा रिसर्च में जिनका काफी बड़ा नाम और काम है, और यहाँ पर 19 लाख शेयर इन्होंने 8.48% के लिए खरीदे हुए हैं, और 9.6 करोड़ ये इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और 7.57% से इनका उसमें स्टेक है, और 1,80,00,000 के लमसम शेयर 36.40 की करंट मार्केट प्राइस के साथ 63.7 करोड़ रुपए इनकी होल्डिंग कंपनी में है। और डेल्टा कोप जो कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग में काफी होटल्स का मैनेजमेंट का काम और मेंटेन भी खुद के भी होटल मेंटेन करती है, और यहाँ पर 2 करोड़ शेयर्स के साथ 7.44% स्टेक है, और इसमें उन्होंने 0.06% स्टेक और खरीदा है, और 172.5 करोड़ की टोटल होल्डिंग यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की, जो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है और एग्रो मशीनरी कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर न्यूट्रल स्टेक है 7.42% का, और 91,00,000 शेयर के साथ 1,022.4 करोड़ की सबसे बड़ी बट सेकंड सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग, सबसे बड़ी पोर्टफोलियो की वैल्यू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से आती है। ऑटोलाइन इंडस्ट्री जो इस क्वार्टर में उन्होंने सबसे नया बाइंग करी है, वो 6.48% के साथ 17,00,000 शेयर खरीदे हैं, और जिसकी वैल्यू 4.5 करोड़ के लमसम है। टाइटन लिमिटेड में कोई बाइंग नहीं हुई है, बस 5.53%
ही शेयर होल्डिंग है और 4 करोड़ 90 लाख का लमसम इनका क्वांटिटी हेल्ड करते हैं और 5,000 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है। क्रिसिल लिमिटेड रेटिंग सर्विसेज कंपनी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को रेटिंग प्रोवाइड करती है और इसमें लगभग 5.49% का इनका स्टेक है। 45,75,000 शेयर हैं और अभी उनकी वैल्यू अगर हम देखें 1,701 पर शेयर भाव पता है और 676.2 करोड़ की उसमें शेयर होल्डिंग है। वीआईपी इंडस्ट्रीज को तो हम सब जानते ही हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज जो कि बैग और लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ट्रैवल एक्सेसरीज बनाती है और काफी अच्छा इसमें शेयर परफॉर्म भी करता है और 272.55 रुपए करंट मार्केट प्राइस होने के साथ साथ 204 करोड़ रुपए की इसमें शेयर होल्डिंग है। आयन एक्सचेंज की अगर बात करें तो ये एक वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसका इंडिया में काफी जरूरत भी है और 5.29% के साथ यहाँ पर 49.3 करोड़ रुपए इसकी शेयर होल्डिंग है। एग्रो टेक फूड की बात करें तो एडिबल ऑयल्स और ब्रांडेड फूड बनाती है और इसमें भी स्टेक थोड़ा सा बेचा है 0.61 से और 5.14% हो चुका है और ये 77.1 करोड़ उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। वहीं जुबिलियंट लाइफ साइंस की बात करें तो एक ग्लोबल फार्मा एंड लाइफ साइंस के इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है और इसमें स्टेक और बाई किया है 0.7% से और अभी इसकी इनकी होल्डिंग हो चुकी है 5.11% और जिसका भी करंट मार्केट प्राइस 740 के तहत देखें तो 603 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो करूर वैश्य बैंक और फेडरल बैंक में 4.5% और 3.18% स्टेक है और वो 112.1 करोड़ और 350.2 करोड़ रुपए दिखाता है और इसमें भी करूर वैश्य बैंक में देखें तो 0.3% बाइंग की है क्वार्टर में और वहीं फेडरल बैंक में 0.1% की बाइंग है। वहीं एमसीएक्स की बात करें तो 3.92% स्टेक और 325 करोड़ रुपए की 1,626 रुपए करंट मार्केट प्राइस के साथ ट्रेड करता है। डिशमैन कार्बोजिन की अगर हम बात करें तो ये एक नई कंपनी है जिसमें हमारे मिस्टर राकेश जुनवाला ने लगाया है और यहाँ पर 3.18% स्टेक के लिए 84.9 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बात करें V18 ब्रॉडकास्ट प्रोजोन प्रकाश पाइप्स ये सारी वो कंपनियां हैं जिनमें इनका स्टेक 2% या इससे भी कम है। इसमें एक नई कंपनी और जुड़ती है वो है इंडिया होटल कंपनी जिसमें कि करंट क्वार्टर में ही 1.05% निवेश किया गया है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा लुपिन प्रकाश पाइप्स एटसेट्रा ये और कंपनीज हैं जिनमें मिस्टर राकेश जुनवाला ने निवेश किया हुआ है। तो हम पोर्टफोलियो देखने वाले हैं भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी और डीमार्ट के ओनर मिस्टर राधाकिशन दमानी का जिनका पोर्टफोलियो लगातार ग्रोइंग फेज में चल रहा है। मार्च अगर 2020 की बात करें तो 18% से बढ़कर 75,964 करोड़ रुपए जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं हो गई है वही वैल्यू। वहीं जून 20 में लॉकडाउन के बावजूद 2% से बढ़कर 78,020 करोड़ है बट जुलाई में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है वो भी 12% जो कि एक बड़ा अमाउंट है। 68,297 पर इनका पोर्टफोलियो और इनकी नेटवर्थ आज खड़ी है। बाइंग की बात करें इन्होंने कोई शेयर सेल नहीं किया है। बाइंग की बात करें तो 4 नई कंपनियों में इन्होंने बाइंग की है उसमें एक है मंगलम ऑर्गेनिक्स जिसमें 2.217% का स्टेक खरीदा है। वहीं बीएफ यूटिलिटीज में 1.3%, एस्ट्रा माइक्रोवेव में 0.03% और इंडिया सीमेंट में 0.51% से स्टेक बाई हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं वन बाई वन कंपनीज की जहां पर शेयर होल्डिंग को हम देखने वाले हैं तो सबसे पहला और बड़ा नाम जो आता है वो है डीमार्ट यानी इंडिया एवेन्यू सुपर मार्ट जिसमें इनकी करंट शेयर होल्डिंग 51.48% है और इस क्वार्टर में इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है बट शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 2043 पे अभी ट्रेड कर रहा है और वो भी और बढ़ चुका है और 68,125 करोड़ की टोटल यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग होती है। इंडिया सीमेंट जिसमें यहाँ पर इन्होंने 0.5% से शेयर स्टॉक खरीदा है और 12.14% इनकी टोटल होल्डिंग होती है और 435 करोड़ रुपए ये इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। वहीं अगर बीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है और इसमें करीबन इनका 5% का स्टेक है और इसकी वैल्यू 3190 पे करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड होता है शेयर और 7,67,000 रुपए के टोटल शेयर इन्होंने खरीदे हैं 244.9 करोड़ वैल्यू के लिए। फूड और इंस लिमिटेड जो कि एग्रो प्रोसेसिंग में काम करती है और यहाँ पर भी 4.72% का स्टेक है और 11.6 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने टोटल इसमें निवेश किया है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करती है और यहाँ पर भी इनका 2.28% स्टेक है वो भी 4.2 करोड़ रुपए लिए। हम बात करते हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स की जिन्होंने जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इसमें इन्होंने नया अभी इन्वेस्टमेंट किया है 2.17% के लिए जिसकी वैल्यू होती है 7.9 करोड़ और इसका भी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 423 रुपए पे शेयर ट्रेड हो रहा है। स्पेंसर रिटेल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो रिटेल कंपनी है और यहाँ पर 2.09% स्टेक
खरीदा है 14 करोड़, और इस करंट क्वार्टर में इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिला। वही बीएफ यूटिलिटीज, इन्होंने नया इस करंट क्वार्टर में खरीदा है और 4,91,000 टोटल शेयर खरीदे हैं 1.3% स्टेक के लिए, जिसकी वैल्यू, करंट वैल्यू अगर हम देखें तो वो 11.2 करोड़ होती है। इनके अलावा प्रोजोन, काया और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड और डेल्टा कॉप लगभग हैं, वो भी 1% के लमसम इनका स्टेक है। अब हम बात करते हैं वेटरन इन्वेस्टर विजय केडिया के बारे में, जिन्हें स्टॉक मार्केट में भी अपने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2020 में -28%, मतलब करीबन 28% नेगेटिव नेटवर्थ थी, जिसकी वैल्यू 244 करोड़ हो चुकी थी। वहीं जून में ये बढ़कर 21% से 297 करोड़ हो गई है, और अभी जुलाई में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, बस 3 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ हो गई है। हम बात करते हैं कि करंट क्वार्टर में, मतलब Q1 June 2020 में इन्होंने तेजस नेटवर्क में 1.52% स्टेक खरीदा है। वहीं रेमको सिस्टम में 1.11% और अतुल ऑटो में 0.31% स्टेक खरीदा है। वहीं शेयर सेलिंग की बात करें तो लाइकीज लिमिटेड में इन्होंने 12.15% से स्टेक बेचा है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में 1.1% से, सुदर्शन केमिकल में 0.16% और वैभव ग्लोबल में 0.01% से इन्होंने अपना स्टेक बेचा है। अब हम बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो के वन बाई वन स्टॉक से। हम सबसे पहले नाम आता है लाइकीज लिमिटेड का, जो कि बहुत बड़ा नाम है, और एक एफएमसीजी कंपनी में 22.25% का इनका स्टेक है, और जो इन्होंने अभी अभी करंट क्वार्टर में ही 12% का स्टेक बेचा है, अभी इसकी वैल्यू 8.1 करोड़ होती है, और करंट मार्केट प्राइस अगर हम इस शेयर की देखें तो 18.70 है, जो कि इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में खड़ा करती है। केडिया ने इस कंपनी में अपना स्टेक 12.15% से घटाया है। अब सेकंड बात करते हैं इनोवेटर्स फसाड सिस्टम लिमिटेड, जो बिल्डिंग के बाहर लगने वाले डिजाइन और कांच एटसेट्रा बनाती है, उसमें इन्होंने इनकी शेयर होल्डिंग 10.66% से शेयर होल्डिंग बरकरार रखी है, और अभी इसकी वैल्यू 4.2 करोड़ है। वहीं शेयर 20 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड करता है। रेप्रो इंडिया लिमिटेड की बात करें तो शेयर 393.35 ट्रेड करता है, और 7.46% शेयर होल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर कोई भी इस क्वार्टर में चेंज नहीं हुआ है, और 35.5 करोड़ रुपीज इसकी वैल्यू है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.1% से स्टेक बेचा है, और 12.6 करोड़ इसकी करंट में वैल्यू है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है सीमेंट शीटिंग वाले प्रोडक्ट्स। वेबो ग्लोबल ग्लोबल की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी है, साथ साथ होलसेलर भी है, और फैशन ज्वेलरी के साथ लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बनाने का भी काम करती है, और इसमें 3.94% सॉरी 2.16% स्टेक के साथ 93.2 करोड़ रुपए इन्होंने इसमें निवेश किया है। साथ ही यहाँ पर 0.01% की शेयर सेल भी किए हैं। न्यूलैंड लेबोरेटरीज की बात करें तो लेबोरेटरीज लैब का ही काम करती है, और 1.95% होल्डिंग के साथ 17.5 करोड़ रुपए इनकी होल्डिंग की वैल्यू है। सुदर्शन केमिकल जो कि जिसका काफी चर्चा में रहता है, उसका वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने 0.616% शेयर होल्डिंग बेची, और 1.88% अभी इनका होल्डिंग में है, और इसकी वैल्यू होती है 50.3 करोड़। अब हम बात करते हैं चेवियट कंपनी, जो कि एवियट कंपनी की अगर हम बात करें, जो जूट यार्न मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है, तो इसका भी काफी नाम रहा है, और 1.56% इनकी होल्डिंग है, और अभी 571.5 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और इनकी वैल्यू 5.8 करोड़ है। तेजस नेटवर्क जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट जो यूज होते हैं वो बनाने का काम करती है, और इन्होंने इस क्वार्टर में इसमें 1.52% की शेयर होल्डिंग खरीदी, और 7.7 करोड़ के लिए। वहीं अतुल ऑटो में इन्होंने 31% से शेयर होल्डिंग बढ़ा के 1.47% कर दी है, और अभी इसकी वैल्यू इनके पोर्टफोलियो में 5.1 करोड़ है। इसके अलावा पेनासोनिक, रैमको, सेरा सैनिटरी वेयर, एस्टेक, टोक्यो, यश पक्का में भी इनकी 1% के लमसम शेयर होल्डिंग है। अब हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इनमें किन किन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और किन किन में आप इनको आप भी बेचना चाहेंगे। हमारे हिसाब से हम हर इन्वेस्टर का एक एक शेयर रिकमेंड आपको करना चाहेंगे, जिसमें पहला हमारा नाम है राधाकिशन दमानी का इंडिया सीमेंट, जिसका सीमेंट इंडस्ट्रीज में काफी कम पी है, और काफी अच्छा वैल्यूएशन और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इंडिया सीमेंट में हमारी भाई की राय है। वहीं उसके अलावा हम अगर राकेश झुंझुनवाला की बात करें तो डेल्टा कोप, जो कि कसिनो में कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री में काम करती है, और उनका भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो है बिजनेस का और होटल्स का, तो उसमें हम उसकी बाई की राय देंगे। और विजय केडिया में ऑल स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जिसमें काफ़ी वॉलीटिलिटी होती है, अगर आप थोड़ा रिस्क लेके रिटर्न कमाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप कोई सी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी
म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर समझनी है तो आप हमारी सीरीज म्यूचुअल फंड मेनिया, और इसके अलावा जो स्पॉटलाइट वाले स्टॉक होते हैं जिनमें खबरें बनी रहती है, उसके लिए हमारी स्टॉक इन स्पॉटलाइट सीरीज देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।